सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले काफी दिनों से लगातार स्वाइन फ्लू के रोगी आ रहे थे। पिछले माह में स्वाइन फ्लू लगातार जिला सोलन में अपने पैर पसार रहा था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा था और स्वाइन फ्लू के लक्षणों की जानकारी दे रहा था, जिसके चलते लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग की सलाह को माना और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग भी किया, जिसकी वजह से आज स्वाइन फ्लू को काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन में आए दिन स्वाइन फ्लू के रोगी आ रहे थे, जिसके चलते जिला सोलन में रोगियों की संख्या 29 पहुंच चुकी थी। यही नहीं, दो रोगियों को इस घातक बीमारी ने अपना शिकार भी बना लिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई और यही कारण है कि पिछले चार दिनों से कोई भी रोगी स्वाइन फ्लू की गिरफ्त में नहीं आया है। टोटल हमारे सोलन जिले में अभी तक 29 केसेस हो चुके हैं, जिसमें दो डेथ्स हो चुकी हैं, और मगर पिछले चार दिन से अभी तक कोई नया मामला नहीं आया है और लगता है कि आस्ते आस्ते ये अब कम भी होते जाएंगे रूटीन में, और खासकर वही केसेस आ रहे हैं उन्हीं एरिया से ज़्यादा केसेज हैं जो लोग शिमला या कहीं बाहर जाकर आ रहे हैं। रूटीन में अभी तक जैसे हमारे पास जो 29 केसेज आए हैं, उनमें से जो दो डेथ्स भी हुई हैं, वो भी डेथ्स इस वजह से हुई है क्योंकि वो जो लोग आए हैं बहुत लेट हमारे पास आए हैं, उस समय उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उनको बचाना बड़ा मुश्किल था। अगर टाइमली कोई भी इन सिम्टम्स के साथ, जैसे कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स हो रही हैं, अगर इन सिम्टम्स के साथ किसी को भी कोई बीमारी होती है और वो टाइमली हमारे पास आता है तो पेशेंट को ट्रीट करना बड़ा आसान है। जो मेडिसन टैमीफ्लू अवेलेबल है हमारे पास, वो बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसन है और टाइमली अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट कैन बी सेव्ड।